Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले तीन दिनों में पहले कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी। एक दिन में कोविड 19 के 1,34,154 नए मामले आए। पिछले 24 घंटे में 2,11,499 मरीज कोरोना से ठीक हुए, जबकि 2,887 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। अशोक कुमार राय को एसपी मैनपुरी बनाया गया। अशोक कुमार को एसपी फिरोजाबाद बनाया गया। अजय कुमार एसपी हरदोई बने। सुधा सिंह को एसपी महोबा बनाया गया। शिवहारी मीणा एसएसपी झांसी बने। रोहन पी कन्ने को एसएसपी झांसी से एसपी लॉजिस्टिक के पद पर भेजा गया। अनुराग वत्स पीएसी मुरादाबाद भेजे गए। महोबा के एसपी अरुण श्रीवास्तव और मैनपुरी के एसपी अविनाश पांडे दोनों के जिले से साइड पोस्टिंग। कोविड महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई है। एक तरफ जहां यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हिस्ट्री शीटर की कमर तोड़ने के लिए पुलिस को खुली छूट दे चुके हैं, वहीं कानपुर जिले में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में जहां भाजपा दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की जन्मदिन पार्टी में हिस्ट्री शीटर और हत्या के प्रयास में वांछित मनोज सिंह के शामिल होने की सूचना पर उसे पकड़ने पहुंची पुलिस से भाजपा नेता और उनके समर्थकों में धक्का मुक्की हो गई, और जब पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लेकर जीप में बैठा लिया तो भाजपाइयों ने हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर भगा दिया और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देखती रह गई। कानपुर पुलिस हिरासत से हिस्ट्री शीटर अपराधी को छुड़ाने के मामले में आरोपी बीजेपी जिला मंत्री नारायण भदौरिया को पद से हटाया गया। मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया गया है गठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 10 शीर्ष नेताओं की 3 दिन की बैठक 3 जून से 5 जून तक देश की राजधानी दिल्ली में होगी। इस बैठक में संघ संचालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, रामदत्त, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, मुकुंद सियार और रामदत्त चक्रधर समेत भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, एस वंगैया शामिल होंगे। इस बैठक में सभी समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें कोरोना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के समय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। देश के सबसे दौलतमंद शख्स मुकेश अंबानी का रुतबा इन दिनों और बढ़ गया है। पिछले कुछ समय में अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसमें हुई 10% से ज्यादा बढ़ोतरी के चलते मुकेश अंबानी की संपत्ति भी बढ़ गई है। इसका फायदा उन्हें दुनिया के अमीर शख्सों की सूची में एक पायदान ऊपर पहुँचने में मिली। अंबानी 83.2 अरब डॉलर की नेटवर्क के साथ अब 13वें नंबर से बढ़ के 12वें पायदान पर पहुँच गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव को पतंजलि की कुरिनिन किट के कोविड 19 के उपचार के लिए कारगर होने की झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर वाद पर बाबा रामदेव को आज समन जारी किया। इसी के साथ हाईकोर्ट ने कहा कि यह किसी की व्यक्तिगत राय है, इस मामले में कोर्ट में मुकदमा करने का क्या औचित्य है। डीएमए को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या एलोपैथी इतना कमजोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी जाए। एलोपैथी इतना कमजोर पेशा नहीं है, आप लोगों को कोर्ट का समय बर्बाद करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कोविड की जंग में बड़ी पहल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अपने कर्मचारी के लिए बड़ा ऐलान। कंपनी के किसी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को 5 साल तक की सैलरी, बच्चों की बैचलर डिग्री की फीस और सदस्यों की हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी रिलायंस उठाएगी। करीब 2 माह से भयानक कोरोना की त्रासदी देखने के बाद भी लखनऊ के लोग यहां पर अभी भी लॉकडाउन के बावजूद बेफिक्र होकर सड़कों पर घूमना शुरू हो गए हैं। संक्रमण की रफ्तार धीमी होते ही लोगों में कोरोना का भय एक बार फिर खत्म हो रहा है, और दूसरी लहर को लाने में जो लापरवाही की गई उसी लापरवाही को फिर से दोहराना जाने लगा है। जैसा कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर भी आना निश्चित है, तो लोगों की लापरवाही उस तीसरी लहर को खुद ही निमंत्रित कर रही है, और यही लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी।
कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र नंबर वन पर था, लेकिन अब हालात तो सुधरे हैं लेकिन गांवों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने गांवों को कोरोना मुक्त बनाने के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया है। गांवों को कोरोना से मुक्त बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कोरोना मुक्त गाँव प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। इसमें विजयी गांव पंचायतों को इनाम दिया जाएगा, जिसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरे विजेता को 25 लाख रुपए और तीसरे विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। वरिष्ठ अर्थशास्त्री और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से भारत सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट पर कहा है कि कोरोना वायरस पर चीन से अमेरिका बात कर सकता है लेकिन भारत नहीं। इसके लिए पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है कि अमेरिका ने वुहान परियोजना को फाइनेंस किया है ताकि प्रश्न पूछ सकें। वहीं भारत के नजरिए से देखें तो TIFR और PM के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नागालैंड में वुहान परियोजना में भाग लिया और चीन से मानदेय प्राप्त किया, तो भारत सवाल नहीं पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अयोध्या नगरी को वैदिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करें। अयोध्या में हवाई अड्डे के विकास एवं निर्माण के लिए भूमि व्यवस्था के कार्य में तेजी लाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण में अयोध्या के प्राचीन गौरव के साथ साथ आधुनिकता का समावेश किया जाए। अयोध्या नगरी में सड़कों के चौड़ीकरण तथा बिजली के तारों की अंडरग्राउंडिंग के कार्यों में और तेजी लाई जाए। चीनी रवैया भयावह रूप से बदल रहा है। भले ही शी जिनपिंग की सरकार भारत को वर्तमान स्वास्थ्य आपदा से चिकित्सा सहायता की पेशकश करने के लिए आगे आई है, मगर चीन का मीडिया और कम्युनिस्ट पार्टी CPC का मुख्य पत्र आपदा से निपटने के भारतीय प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं। वर्तमान में भारत में रहने वाले चीनी नागरिकों को उकसाया जा रहा है कि वे यहां से बीमार मरीजों की वीडियो रिकॉर्ड कर चीनी मीडिया को भेजें। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 1,86,79,320 कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से 1,51,73,873 लोगों को प्रथम डोज जबकि 35,05,447 लोगों को द्वितीय डोज लगाई गई है। देश में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। पटना एम्स में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। इसके तहत 3 बच्चों को कोविड टीका कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई है। फिलहाल 3 बच्चे स्वस्थ हैं। एम्स को कुल 80 बच्चों पर ट्रायल का लक्ष्य दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू का बहुत कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस TMC की युवा इकाई के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने कल BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की बीमार पत्नी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अब एक नई अटकेले भी शुरू हो गई कि मुकुल रॉय की TMC में वापसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 4 जून से सभी जिला अस्पतालों में सर्जिकल OPD भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में सभी अस्पतालों को ऑपरेशन के लिए मरीज भर्ती कराने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि ऑपरेशन से पहले मरीज का कोरोना संबंधी जांच कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा सभी अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर भी चलाए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रिलायंस के पेट्रोल पंप और मॉल को बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, किसान आंदोलन को 6 महीने हो गए हैं। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। सरकार अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में लोग भुखमरी से मरेंगे, क्योंकि यह बड़े उद्योगपति अनाज को अपनी तिजोरी में कैद कर रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम रिलायंस कंपनी के पंप और मॉल भी बंद करेंगे। 13,500 करोड़ रुपए के PNB ऋण धोखाधड़ी मामले में CBI और ED द्वारा भारत में वांछित भगोड़ा मेहुल चौकसी की जमानत याचिका आज डोमिनिका कोर्ट से खारिज हो गई। चौकसी पर डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप लगा है। चौकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके बाद उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित टीका निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ COVID-19 रोधी टीके की 30 करोड़ खुराकें बनाने और उनका भंडारण करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए मंत्रालय 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर रहा है।
पाकिस्तान के शहर में कराची में स्थित डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में एक धारावाहिक की शूटिंग के दौरान एक सुरक्षाकर्मी ने गोलियां चला दी। इस घटना में 9 लोग घायल हो गए, हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के इटावा में 3 दिन पहले गोली लगने से मरे आईटीआई के छात्र अमन यादव के शव को लेकर सड़कों पर उतरे गांव वाले। पुलिस कार्रवाई में हिला हवाली के चलते गुस्साए परिजन एसएसपी आवास ले जाना चाहते थे शव को। फिलहाल सड़क पर रखकर गांव वालों ने प्रदर्शन शुरू किया। इसराइल में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के विरोधियों के बीच गठबंधन सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है। इसके बाद उनकी विदाई का रास्ता साफ हो गया है। नेतन्याहू इसराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं और पिछले 12 साल से देश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। उन्हें कल मध्यरात्रि तक बहुमत साबित करना था और समय सीमा समाप्त होने के कुछ ही देर पहले विपक्षी नेता येर लेपिड ने घोषणा की कि 8 दलों के बीच गठबंधन हो गया है और अब वो सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी काफी उथल पुथल चल रही है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों वहां आरएसएस के टॉप नेता और संगठन के महामंत्री ने लखनऊ में बैठकें की। अब इन बैठकों के बाद दिल्ली में उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ को लेकर लगाए जा रहे कयास को लेकर बैठकें होंगी। आगामी शनिवार और रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 2022 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक ही परिवार के 6 बच्चे तालाब में डूब गए। इनमें से 5 के मारे जाने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि जिंदा निकाले गए एक बच्चे की हालत भी गंभीर है। सीएम योगी ने गोंडा की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बार मानसून पिछले साल की तुलना में बेहतर रहने की उम्मीद है। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। केरल में बारिश शुरू हो गई है। राज्य के कई इलाकों में तेज गरज के साथ बारिश हो रही है। केरल से सटे कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मध्य भारत में यह सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वोत्तर में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है।